छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर कई सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं और कई कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि तीनों राज्यों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली है, जल्द ही तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का ऐलान किया जाएगा। चर्चा है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में किसी आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकती है। इसमें रेणुका सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान महिला आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाकर साल 2024 के लिए आदिवासी सीटों को टारगेट करना चाहती है। रेणुका सिंह को सीएम पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वो सीएम की टीम की मजबूत सदस्य मानी जाती है। आखिरकार कौन है रेणुका सिंह, आइए इस वीडियो में जानते हैं। रेणुका सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री है। बीजेपी ने इस बार उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा था। उन्होंने भरतपुर सोनहत से विधानसभा चुनाव जीता है। रेणुका सिंह केंद्र में छत्तीसगढ़ की इकलौती मंत्री है। उन्होंने जनपद पंचायत चुनाव से अपना सियासी सफर शुरू किया था। तो वहीं आपको बता दें कि साल 1999 में वो पहली बार जनपद पंचायत की सदस्य चुनी गई। फिर आपको बता दें कि साल 2000 में बीजेपी ने उनको रामानुज नगर मंडल का अध्यक्ष बनाया। फिर साल 2002 में वो समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष रही। साल 2003 में पार्टी ने टिकट दिया, रामानुज नगर सीट से विधायक बनी। साल 2008 में फिर विधायक बनी और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री रही। साल 2019 में सरगुजा सीट से सांसद बनी और अब मोदी सरकार में जनजातीय मामलों में केंद्रीय राज्य मंत्री है। अब आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं कि आखिरकार वो क्यों बन सकती हैं पहली आदिवासी महिला सीएम। महिला कनेक्ट आखिरकार पहला कारण हो सकता है रेणुका सिंह। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के बीच एक पॉपुलर फेस है, खासकर आदिवासी बेल्ट में महिलाएं उनसे कनेक्ट फील करती हैं। इन महिलाओं में रेणुका सिंह को लेकर अलग क्रेज नजर आता है। चुनाव प्रचार के दौरान भी उनकी रैलियों में महिलाओं की तादाद देखी गई थी। इसके बाद बात करें तो रेणुका सिंह जो है आदिवासी समाज से आती हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में आदिवासी समुदाय हैं, लिहाजा आदिवासियों को बीजेपी साल 2014 से पहले वोट बैंक के तौर पर विकसित कर सकती है। रमन सिंह की नजदीकी मानी जाती है रेणुका सिंह। आपको बता दें कि रेणुका सिंह पूर्व सीएम रमन सिंह की करीबी मानी जाती है। कहा जाता है कि रेणुका को आगे करने पर रमन सिंह नाराज नहीं होंगे, ऐसे में पार्टी को भी नया चेहरा मिल जाएगा और रमन सिंह भी नाराज नहीं होंगे। रेणुका सिंह राजनीति में लंबी पारी खेल सकती है। पहले भी वो राज्य मंत्री रह चुकी हैं, अब केंद्रीय मंत्री हैं। ये उनके सीवी को काफ़ी मजबूत करता है। उन्हें प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव है, लिहाजा पार्टी ऐसे चेहरे को जो है तरजीह दे सकती है। प्रभावशाली माना जाता है रेणुका सिंह को। आपको बता दें कि रेणुका सिंह ने न सिर्फ अपनी सीट पर जीत दर्ज की है, बल्कि सरगुजा बस्तर संभाग में बीजेपी को जीत दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई है। उनके प्रभाव को देखते हुए पार्टी अब उनके चेहरे पर दाव लगा सकती है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।